एलोकेट्स, ओपन योर EVS कोर्स बुक वॉल्यूम 1, कम टू द पेज 36, ओके, लेट्स ट्राई 3। ये देखिए, ये कितना सुंदर सा हाउस बना है, ठीक है। और इसमें देखिए, ये स्टेयर्स मीन्स सीढ़ी, ये बेडरूम, ये बाथरूम, दिस इज किचन एंड दिस इज लिविंग रूम, ओके, दिस इज सोफा, दिस इज बेड, दिस इज गैस स्टोव, दिस इज बाथ टब, ओके। अब व्हाट इज क्वेश्चन, आइए, दिस इज अ हाउस विथ डिफरेंट रूम्स। ये एक हाउस है जिसमें डिफरेंट रूम्स हैं, ओके। राइट द नेम ऑफ द थिंग्स गिवन बिलो इन द रूम्स। इनमें जो ये थिंग्स दिए गए हैं, ठीक है, ये किन रूम में रखना सही होगा या किस रूम में इन चीज़ों को हम रख सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर। आप या तो ये नेम यहाँ पे राइट कर दें जिसका प्रॉपर प्लेस हो, जो लीगल हो कि वो चीज़ कहाँ रखी जाएगी, या तो आप नेम मेंशन कर दो या फिर आप उसमें उस रूम में उसकी पिक्चर बनाइए और उसे कलर करिए, ठीक है। तो आप ये सोफ़ा बताइए किस रूम में रहता है, सोफ़ा बेडरूम में रहता है कि बाथरूम में रहता है कि लिविंग रूम में रहता है या किचन में रहता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, फाइन, गुड। सोफ़ा हमारा लिविंग रूम में होता है, ठीक है, जिस पे बैठ के गेस्ट और घर के लोग, घर के मेंबर जो होते हैं, टॉकिंग करते हैं, ठीक है। तो सोफ़ा हम यहाँ रखेंगे। फिर आता है बेड। बेड ऑब्वियसली बेड से बेडरूम, तो बेड जो है कहाँ हम शिफ्ट करेंगे, बेडरूम में, ओके। नाउ गैस स्टोव। अब गैस स्टोव पे हम क्या करते हैं, गुड, खाना बनाते हैं। तो खाना कहाँ बनता है हमारा, किचन। तो गैस स्टोव को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे किचन में। ये है बाथ टब, मतलब नहाने वाला टब। तो बाथ टब ऑब्वियसली आप देख रहे हैं, बाथ बाथ रूम, तो बाथटब कहाँ शिफ्ट करेंगे, बाथरूम में, ओके। तो ये हो गया आपका, लेट्स ट्राई 3। आई थिंक नो कन्फ्यूज़न एनीबडी। अब आते हैं ये हैंड हटाओ। इस पेज पे देखिए क्या है टॉपिक, कीपिंग आवर हाउस क्लीन, अपने घर को साफ रखना, ठीक है। अपने घर को हम लोग साफ रखते हैं या गंदा रखते हैं, बताइए, अपने घर को साफ रखना चाहिए या गंदा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, ओके। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। आवर हाउस इज अ स्पेशल प्लेस। हमारा घर एक स्पेशल प्लेस होता है, मतलब बहुत ही खास जगह होता है, ठीक है। वी शुड ऑलवेज कीप आवर हाउस क्लीन। वी शुड, हमें चाहिए, ऑलवेज हमेशा, कीप रखना, आवर हाउस अपने घर को क्या, क्लीन। हमें हमेशा चाहिए अपने घर को क्लीन रखना, ठीक है। ए डर्टी हाउस हैज़ इंसेक्ट्स एंड जर्म्स, ठीक है, दैट कैन मेक अस फॉल सिक। क्या है, ए डर्टी हाउस हैज़, एक गंदे घर में क्या होता है, इंसेक्ट्स एंड जर्म्स। इंसेक्ट्स मतलब होता है कीड़े मकोड़े और जर्म्स मीन्स होता है कीटाणु,
ठीक है। तो एक गंदे घर में कीटाणु कीटाणु और कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कैन मेक अस फॉसिक, जो हमें बीमार कर सकते हैं, ठीक है, या हमें बीमार कर देते हैं। फिर देखिए, वी कैन कीप आवर हाउस क्लीन बाय डूइंग दीज थिंग्स। वी कैन कीप आवर हाउस क्लीन बाय डूइंग दीज थिंग्स। हम अपने घर को साफ रख सकते हैं कुछ चीज़ों को करके, ठीक है। वी कैन कीप, हम रख सकते हैं आवर हाउस, अपने घर को क्लीन, साफ, बाय डूइंग, इन चीज़ों के द्वारा, ठीक है। दीज थिंग्स, इन चीज़ों के द्वारा हम साफ रख सकते हैं। अब वो चीज़ देखिए कौन कौन है, आइए। क्लीन द हाउस डेली, क्लीन द हाउस, अपने घर को डेली साफ रखें, ठीक है, साफ रखें। डेली मतलब पर डे, रोज़ रोज़ हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए। फिर है कीप ऑल द थिंग्स एट दियर प्रॉपर प्लेसेस, सभी चीज़ों को हमेशा उनके प्लेस पे रखना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे। जैसे हम लोगों ने विज़िट किया तो हमने क्वेश्चन रखा बच्चों से कि क्या अपने शूज़ वगैरह जो है आप लोग प्रॉपर रखते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम प्रॉपर रख देते हैं, बट देखने में आता है कि शूज़ प्रॉपर बहुत कम लोगों के रहते हैं। तो शूज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए, इसलिए उसे भी हमें प्रॉपर जो है मैनर में प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, ठीक है। तो बाकी सभी चीज़ों को हमें प्रॉपर जगह पे रखनी चाहिए, जैसे बुक्स हुई, हमारे कपड़े हुए, और भी सारी चीज़ें हैं। अगर हमारे पास टॉयज़ है तो टॉयज़ को भी हमें प्ले करने के बाद एक प्रॉपर जगह पे रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्लीन द यूटेंसिल्स इन द किचन आफ्टर यूज़। क्लीन द यूटेंसिल्स इन द किचन, किचन में जब हम यूज़ कर लेते हैं बर्तनों को, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, तो बर्तनों को जब हम यूज़ कर लेते हैं, या कहते हैं ना बर्तन जूठे हो गए, तो हम क्या करते हैं, उन बर्तनों को अच्छी तरह से वॉश करते हैं, धुलते हैं, धुल के उन्हें साफ़ करके रख देते हैं, ठीक है। फिर आइए देखिए, ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, और जितनी भी वेस्ट थिंग्स होती हैं, जो चीज़ कूड़े की जैसी रहती हैं, वे चीज़ें हमें कहाँ फेंकनी चाहिए, हमें डस्टबिन में थ्रो करनी चाहिए, इकट्ठा करनी चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज़ जैसे हमने राइट किया, कोई पेज ख़राब हो गया तो हमने पेज फाड़ा और उसे ऐसे ही फर्श पे फेंक दिया, तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। हम जो भी हो उसे जो है अब डस्टबिन में डालें, ठीक है। इस तरह से हम अपने घर को, अपने रूम को हम साफ रखते हैं, ठीक है। आते हैं, कम टू द पेज नंबर 38, लेट्स ट्राई 4। अब बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको मैचअप करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, टीच मीरा हाउ टू कीप हर हाउस क्लीन। मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स, टीच मीरा, ठीक है, मीरा को सिखाइए आप कि वो अपने घर को कैसे क्लीन रखे इस मैचअप के द्वारा, ठीक है। तो कैसे है ये देखिए, क्या है ये, डोरमेट है, ठीक है। आपका कहाँ रहता है डोरमेट, ये शूज़ है, ये आपकी, सॉरी बेटा ये डोरमेट नहीं है, ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट्स हैं खाने वाली, और ये शूज़ है, ये बुक्स है, ये क्लॉथेस हैं, और ये आपके जो है क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, ये आपके ये कूड़े हैं सब, ये गार्बेज है, ठीक है। अब इन्हें देखिए कहाँ रखने हैं, ये आपको सजेस्ट करना है। ये प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स देखिए कहाँ हैं, यूटेंसिल्स जिसको बोलते हैं, तो ये है आपका किचन, ठीक है।
तो ये जो है किचन में रखेंगे। ये शूज़ है, शूज़ हम जो है इस शूज सेल्फ में रखेंगे। ये बुक है, ये बुक्स जो है हम इस अलमीरा में रखेंगे। ये क्लॉथ्स हैं, ये हम इस जो है अलमीरा में रखेंगे। और ये जो गार्बेज है ये हम यहाँ पे डस्टबिन में रखेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे करके मैचअप करेंगे, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं, लेट्स ट्राई फाइव। देखिए लेट्स ट्राई फाइव क्या है? टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये दिए गए हैं, इसमें जो है आपको टिक करना है जो करेक्ट हो। तो उसके लिए हम पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन करेक्ट है। ये जो ब्लैक कलर के जो डार्क डार्क वर्ड दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको चूज़ करना है कौन सा करेक्ट वर्ड है। ठीक है, वन आपको करके बताया है। देखिए, वी नीड अ कार हाउस टू लिव इन। हमें ज़रूरत है टू लिव, रहने के लिए, क्या कार या हाउस? हम कार में रहते हैं या हाउस में? हाउस। हमें रहने के लिए क्या ज़रूरी है? हाउस, नॉट कार। ओके, सेकंड देखिए, ये है वॉल्स मीन्स दीवार और विंडोज़ मीन्स खिड़कियाँ। तो दीवारें, खिड़कियाँ, लेट एयर एंड सनशाइन इनटू द हाउस। इनमें से कौन जो है एयर, हवा और सूर्य का प्रकाश घर के अंदर लाता है? कौन लाता है, दीवारें या विंडोज़? ये आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट, वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन डर्टी। हमको अपना घर गंदा रखना चाहिए या साफ, आप बताएंगे। वी फील सेफ अनसेफ इन अ हाउस। हम सेफ फील करते हैं या अनसेफ, मतलब असुरक्षित फील करते हैं घर में? हम घर में क्या फील करते हैं, सुरक्षित या असुरक्षित, आपको बताना है। वी लिव इन आवर हाउस विथ आवर फैमिली वाइल्ड एनिमल। ओ गॉड, वी लिव इन आवर हाउस। हम अपने घर में किसके साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं या जंगली जानवरों के साथ रहते हैं, आप बताएंगे भाई आप किसके साथ रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये स्पेस आपको खाली दिया गया है। ठीक है, अब ये जो खाली स्पेसेस हैं इन पे आपको क्या करना है, इन वर्ड को चूज़ करके, इन वर्ड्स को चूज़ करके यहाँ फिलअप करना है, लेकिन करेक्ट वर्ड फिल करना है। ओके, चलिए देखते हैं पहले है क्या। दिस इज़ बेडरूम, दिस इज़ फ्लैट्स, दिस इज़ बाथरूम, दिस इज़ किचन एंड दिस डोर। ओके, नाउ ए क्या है, दीज हाउसेज आर बिल्ट वन अबव द अदर इन वन टॉल बिल्डिंग, दे आर कॉल्ड दीज हाउसेज। वे हाउसेज जो एक के ऊपर एक बने होते हैं, ठीक है, जैसे एक फ्लोर के ऊपर फिर दूसरा फ्लोर, फिर तीसरा फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर, ऐसे करें एक के ऊपर एक जो हाउस बने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैट्स। तो यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे फ्लैट्स। वी रेस्ट इन दिस रूम इट इज़ अ। हम किस रूम में जाके रेस्ट करते हैं, किस रूम में रेस्ट करते हैं, डोर पे, किचन में, बाथरूम में, बेडरूम। गुड, बेडरूम में हम जो हैं रेस्ट करते हैं। ठीक है, वी टेक अ बाथ इन द इन दिस रूम। हम बाथ करते हैं, नहाते हैं इस रूम में, तो उसको क्या बोलते हैं, मुझे पता है आपको पता है, चलिए ठीक है आप बताइए। वी कुक इन दिस रूम ऑफ द हाउस। इस रूम में हम क्या करते हैं,
खाना बनाते हैं तो उस रूम को क्या बोलेंगे? मुझे नहीं पता, आप बताएंगे। वी एंटर अ हाउस थ्रू दिस, इट इज, हम किसी घर में अंदर जाते हैं तो किस रास्ते से अंदर जाते हैं? खिड़की से? नो, डोर से। तो यहाँ पे क्या होगा? दरवाजे से हम अंदर जाते हैं ना, तो यहाँ पे होगा डोर। ओके, तो आई होप आपको ये रिमेनिंग लेसन समझ में आ गया होगा, इसके क्वेश्चंस भी समझ में आ गए हैं। तो अब देरी किस चीज़ की, तो जल्दी से अपनी बुक निकालिए और फटाफट इसको फिलअप करिए और इस चैप्टर को क्लोज़ करिए। थैंक यू।